हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चौथा जो लास्ट प्रदेश है और वो है हाड़ौती का प्रदेश, उसको हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का लोकेशन ये है, ये वाला पठारी भाग है, ये हाड़ौती का पठार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जैसे अरावली पुरानी है, उसी तरीके से हाड़ौती का पठार भी पुराना है। और इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है और निर्माण काल है क्रिटेशियस काल। ज्वालामुखी से कैसे हुआ है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा लावा के रूप में जमा हो जाता है, और जब वो तरल मैग्मा होता है, मींस वो लावा जब जम जाता है तो वो तरल अवस्था में होता है, तो ऊपर जाके सपाट अवस्था में जमता है। और वो अगर गाढ़ा हो एकदम, मैग्मा मींस अंदरूनी जो भी भाग है, अंदरूनी जो मसाला निकल रहा है अंदर से, तो वो ज्वालामुखी फटती है तो बाहर आता है। और अगर वो एकदम टाइट है, गाढ़ा है, तो निर्माण होगा पर्वत का। लेकिन अगर वो तरल अवस्था में है तो उसका निर्माण होगा पठार का। तो ये जैसे मान लिया कि ये ज्वालामुखी निकल रही है, ये ज्वालामुखी का उद्भेदन है। तो इस ज्वालामुखी से ये ऐसा मैग्मा निकल रहा है, जब ये ऐसा जमता है ऊपर, तो जमने वाला भाग हो गया इसका लावा और ये वाला भाग हो गया मैग्मा। इसका निर्माण अगर ऐसे हो रहा है, ऊपर से तीखा हो रहा है, तब तो इसे कहेंगे पर्वत। लेकिन अगर वो निर्माण ऊपर जाकर के सपाट हो जाता है ऐसे, ये वाला भाग कहलाएगा पठार का। तो यहां कुछ ऐसा ही निर्माण हाड़ौती के पठार के रूप में हुआ है, इसे बेसाल्टिक लावा कहते हैं। तो हाड़ौती के पठार का निर्माण हम किससे कहेंगे? बेसाल्टिक लावा या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। और इसका काल याद रखना है क्रिटेशियस काल। अरावली का काल हो गया प्री कैम्ब्रियन, इसका काल हो गया क्रिटेशियस, पूर्वी मैदान का हो गया प्लिस्टोसिन काल। तो ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है। काल का मीन्स बहुत करोड़ों सालों पहले किस काल में इसका निर्माण हुआ है, तो वो क्रिटेशियस काल हो गया। और यही जो लावा अभी ये जम चुका है लावा, तो पठार के रूप में इसका निर्माण हो चुका है, लेकिन इसका क्या अपरदन हो रहा है? ऐसे ये पठार है, तो पठारी का ऊपर जो भाग है ना, ये निर्मित इसके ऊपर वाले भाग का ऐसे कटाव हो रहा है, और ये कटाव क्या अपरदन कहलाता है। और इसी अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है। तो हाड़ौती के पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज हम समझ चुके हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है, और इसका अपरदन हो रहा है, इसलिए ये काली मिट्टी यहाँ ज्यादा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो भाग है, मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन गौण रूप में देखें तो इसको तीन भागों में बांटते हैं। मुख्य दो भाग कौन से? एक दक्कन लावा का पठार और दूसरा विंध्यन कगार। ये वाला भाग हाड़ौती के पठार का हो गया, और इस पठार को हमने दो भागों में बांटा, एक विंध्यन कगार और दूसरा दक्कन का पठार। तो इसको दो भागों में बांटते हैं। यहाँ क्या है, इस वाले पोर्शन में विंध्यन का पठार है, यहां से लेकर के ऐसे ये विंध्यन के पठार को कवर कर रहा है। ये पूरा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इसे विंध्यन का पठार कहते हैं, लेकिन राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? विंध्यन कगार कहते हैं, विंध्यन कगार कहते हैं, विंध्यन स्कार्पलैंड। तो राजस्थान में इसको विंध्यन स्कार्पलैंड और इंडिया में विंध्यन का पठार। और बाकी वाला जो भाग ये बच रखा है, ये वाला पूरा पोर्शन मालवा के पठार का हिस्सा है, जो एमपी में मालवा के पठार है, उस वाले पठार का हिस्सा ये बाकी बचा हुआ भाग हो गया। तो बचा हुआ भाग मालवा का पठार और इस वाला भाग हो गया विंध्यन कगार। तो राजस्थान में इसको दक्कन का लावा पठार के रूप में जानते हैं, दक्कन का लावा पठार राजस्थान में, और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में मालवा के पठार का हिस्सा है ये। दक्कन का लावा पठार भी दो भागों में डिवाइड है राजस्थान में। तो ये वाला भाग अपना कौन सा हो गया? दक्कन का लावा पठार, और ये वाला भाग हो गया विंध्यन कगार। दक्कन का लावा पठार दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है, एक मालव प्रदेश और दूसरा उपरमाल। तो मालव प्रदेश में यहां से लेकर के ये वाला भाग कवर कर रहा है, ये बीच वाला भाग तो एमपी का आ गया, और ये वाला भाग प्रतापगढ़ का, और इधर ये है झालावाड़ का भाग है। तो ये मालव प्रदेश में झालावाड़ और प्रतापगढ़ को मालव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मालवा के पठार का हिस्सा है। तो मालवा के पठार के हिस्से का भाग हो गया मालव प्रदेश, झालावाड़ और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है ऊपरमाल। तो ऊपरमाल में कौन सा भाग?
ये वाला भाग कवर कर रहा है जिसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को मुख्य रूप से, भीलवाड़ा में भी ये बिजोलिया के भाग को कवर करता है और चित्तौड़ में ये बैसरोडगढ़ के भाग को कवर करता है। तो इसमें ऊपर माल का मतलब ये हुआ कि जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसके जो ऊपरी भाग है ये ऊपर माल को दिखाता है। तो ऊपर वाला भाग ऊपर माल और नीचे वाला भाग माल खेराड़ के रूप में जानते हैं। तो यहाँ है ऊपर माल, ऊपर माल में बिजोलिया और बैसरोडगढ़ इनको भी याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊपर माल का पठार किन किन के बीच में है। तो ऊपर माल का पठार या तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में, अदरवाइज हम कह सकते हैं बिजोलिया और बैसरोडगढ़ के बीच में ऊपर माल का पठार है। बिजोलिया तो आ रहा है भीलवाड़ा का और बैसरोडगढ़ आ रहा है चित्तौड़ का। वैसे भी बिजोलिया को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन वो भीलवाड़ा का ही है। वर्तमान में वो प्लेस भीलवाड़ा में कवर होता है। तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन करके इसको याद कर लो कि बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा से संबंधित हो गया और सामने ये वाला भाग बिजोलिया का हो गया और नीचे वाला ये यहाँ पोर्शन आता है वो आता है बैसरोडगढ़ का, जहां से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। तो ये अपना हो गया दक्कन का लावा पठार, मालवा प्रदेश, ऊपरमाल, मालवा प्रदेश के दो जिले हो गए झालावाड़ और प्रतापगढ़, ऊपरमाल के दो जिले हो गए भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि दक्कन के लावा पठार में चार जिले काउंट हो रहे हैं। एक तो काउंट हो रहा है प्रतापगढ़, एक दूसरा काउंट हो रहा है झालावाड़, तीसरा काउंट हो रहा है भीलवाड़ा और चौथा काउंट हो रहा है चित्तौड़गढ़। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट विंध्यन का पठार। तो विंध्यन का पठार होता है इसका राजस्थान का भाग हो रहा है जिसको कहते हैं विंध्यन कगार, और इसको दो भागों में बांटते हैं हम, एक हाड़ोती वाले भाग को और दूसरा ये डांग। तो ये डांग वाला भाग यहां तक हो गया जिसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये वाला भाग कवर हो रहा है, तो वो है डांग। और दूसरा वाला हाड़ोती जो कोटा संभाग का भाग आ रहा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो झालावाड़ का कुछ पोर्शन मालों में कवर हो रहा है, कुछ पोर्शन हाड़ोती में कवर हो रहा है। कोजा बाबू करके हमने इसको कोटा को याद किया था, वो कोजा बाबू यहाँ हो गया। को से ये हो गया, जा से ये हो गया और बा से ये हो गया और बू से ये हो गया। तो कोजा बाबू हाड़ोती का, तो हाड़ोती डांग विंध्यन कगार का भाग हो गए। तो हमने इसमें ये देखा है कि हाड़ोती के पठार को हमने दो भागों में बांटा है, एक दक्कन का लावा पठार और दूसरा विंध्यन कगार। विंध्यन कगार को हमने दो भागों में बांटा, एक हाड़ोती दूसरा डांग। दक्कन का लावा पठार को हमने दो भागों में बांटा, एक ऊपरमाल और दूसरा मालव प्रदेश। मालव प्रदेश में हमने देखा झालावाड़, प्रतापगढ़, और ऊपरमाल में भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ का बैसरोडगढ़। फिर नेक्स्ट डांग में तीन चार जिले, कभी तीन जिले काउंट कर लेते हैं, कभी चार जिले काउंट करते हैं। तो मुख्यतः इसमें डांग में काउंट होने वाले जिले हो गए करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कभी कभार कोटा को भी डांग में काउंट करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि डांग क्षेत्र में कोटा को इन्वॉल्व करना भी है या नहीं करना है। फिर हो गया हाड़ोती का भाग, हाड़ोती में चार जिले काउंट हो गए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आई थिंक ये कवर हो चुका होगा। फिर मैं यहाँ महान सीमा भ्रंश को देखते हैं। कभी कभार क्वेश्चन महान सीमा भ्रंश से भी पूछता है। तो महान सीमा भ्रंश क्या है? यहाँ एक ऐसी भ्रंश, भ्रंश का मतलब खाई, घाटी, ऐसे। तो ये यहाँ ऐसे घाटी के रूप में या खाई के रूप में फैली हुई है। वो क्या है? इधर पर्वत है और इधर पठार है। तो इन दोनों को, पठार और पर्वत दोनों भाग को अलग करने वाली जो सीमा है उसे महान सीमा भ्रंश के रूप में जानते हैं। तो ये महान सीमा भ्रंश दिल्ली के साइड आगे निकल जाती है और इस साइड अपने को हाड़ोती और अरावली को अलग कर रही है। लेकिन ये कितने जिलों में फैली हुई है ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये चित्तौड़, देन भीलवाड़ा, देन बूंदी, देन करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जिलों में कंटिन्यूसली ये फैली हुई है। चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। धौलपुर सवाई माधोपुर के बाद में आएगा, तो सवाई माधोपुर के बाद में धौलपुर। तो छह जिलों में ये महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इनमें कौन कौन से स्टोन्स है या चट्टाने कैसी है। तो विंध्यन कगार है उसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। तो ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से चट्टाने यहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला स्टोन है वो है बलुआ पत्थर। फिर नेक्स्ट है लाइम स्टोन, चूना पत्थर।
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोटा स्टोन कोटा पत्थर, या फिर रेड स्टोन लाल पत्थर, डायमंड हीरा। तो विंध्यन गगार में कौन कौन से स्टोन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा तो बलुआ पत्थर है, देन चूना पत्थर, देन कोटा स्टोन, देन रेड स्टोन, देन डायमंड। नेक्स्ट हम हाड़ोती भाग को भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक भाग है शाहबाद उच्च भूमि, और शाहबाद उच्च भूमि 12 जिले में है मुख्यतः। फिर गंगधर जो कि वर्तमान में झालावाड़ का भाग आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि अभी लाइब्रेरियन में 2020 में अभी जस्ट जो पेपर हुआ है उसमें डग गंगधर क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डग गंगधर हाड़ोती का एरिया है, तो हमें पता होना चाहिए डग गंगधर झालावाड़ जिले में और हाड़ोती का भाग है। फिर तीसरा भाग जो इसका कर रखा है वो है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी को हम पहले देख चुके हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बूंदी हिल्स और मुकंदरा हिल्स काउंट होती है। बूंदी हिल्स बूंदी में है और मुकंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में। तो इसको हाड़ोती को ऐसे याद रखना है, शाहबाद उच्च भूमि 12 में सबसे ऊपर। फिर नेक्स्ट डग गंगधर, तो इसको लाइब्रेरियन का एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट करके याद रखना है इसको, डग गंगधर झालावाड़ में। देन अर्धचंद्राकार पहाड़ी कुछ ऐसी पहाड़ी, तो ये बूंदी हिल्स प्लस मुकंदरा पहाड़ी दोनों को जोड़ के काउंट होती है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि बूंदी हिल्स दोहोरी पर्वतमाला है, बूंदी हिल्स दोहोरी पर्वतमाला है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ नदियों का प्रवाह अच्छा खासा होता है, मीन्स नदी बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है, जैसे चंबल है, चंबल की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, ऐसी नदियाँ चलती है, और ये ऐसे चल रही है। जैसे मान लियो कि अगर ये वाला भाग इसको ऐसे काउंट करें तो ये क्या उत्तर की ओर चल रही है ऐसे, तो अगर इसका ढाल देखना हो तो इनका ढाल, नदियों का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो चंबल का जैसे जैसे ढाल है, जैसे जैसे चंबल का प्रवाह है उसी के अकॉर्डिंग इस भाग का ढाल निर्धारित होता है। और यहाँ नदियों की प्रधानता होने के कारण मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है, और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ फसल भी बहुत अच्छी होती है, ये कृषि के लिए उपयुक्त हो गई। अब हम देखते हैं हाड़ोती के पठार में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें आज के इस लेसन में पड़ी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाड़ोती के पठार में हमने देखा है कि इसका निर्माण कब हुआ, देन किससे हुआ है, देन इसमें मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में। देन हमने इसमें मुख्य रूप से देखा महान सीमा भ्रंश, और महान सीमा भ्रंश के 6 जिले चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर। फिर दक्कन का पठार और विंध्यन गगार दो भागों में इसको बांटा, दक्कन का लावा पठार मालवा पठार का भाग है और विंध्यन गगार विंध्यन पठार का भाग है। विंध्यन कगार को दो भागों में बांटा, हाड़ोती एंड डांग। देन दक्कन के लावा पठार को हमने दो भागों में बांटा, मालवा प्रदेश एंड ऊपरमाल। मालवा प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ एंड ऊपरमाल भीलवाड़ा का बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़, इन दोनों के बीच में ऊपरमाल का पठार है। इसमें नेक्स्ट बाद में देखा हमने हाड़ोती भाग को, तो हाड़ोती भाग में तीन भाग किए हमने, शाहबाद उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ी और डग गंगधर, जिसमें डग गंगधर बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हाड़ोती के पठार एंड राजस्थान का भौतिक प्रदेश पूरा समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू।